नगर में संस्कृति पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस जिला अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, विशिष्ट अतिथि करेरा, अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला, विधायक प्रागीलाल जाटव, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा रामस्वरूप रावत सहित अतिथि शामिल हुई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिथियों को बुके भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। मुख्य अतिथि एसपी राजेश चंदेल ने कहा कि करेरा जैसे छोटी जगह पर इतने अच्छे कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखने को मिले, इनसे बच्चों में निखार आता है और बच्चों में प्रति छिपी हुई प्रतिभा भी निकल कर सामने आती है। वहीं करेरा विधायक प्रागी लाल जाटव ने भी बच्चों की प्रशंसा की और नगर अध्यक्ष श्रीमती शारदा रावत ने कहा कि इतने छोटे उम्र में इतनी अच्छी प्रस्तुति बच्चे दे रहे, अगर कोई पुलिस के रोल में तो कोई वकील के रोल में यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई पोस्टमैन के रोल में नजर आ रहा है। इन बच्चों ने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिक्षा, देश, डिसिप्लिन के प्रति कार्यक्रम के माध्यम से सभी को जागरूक किया है। कार्यक्रम में गणमान्य पत्रकार सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सम्माननीय हमारे विद्यालय प्रबंधक ने आज मुझे अपने इस वार्षिक कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए विद्यालय परिसर का आभार व्यक्त करती हूँ और बच्चों में यहाँ आज कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वास्तव में वह बहुत सुंदर आकर्षक कार्यक्रम में सहभागिता से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आती है। इन प्रतिभाओं को निखारने का काम स्कूल व परिजनों का होता है। बच्चे भले ही स्कूल से सीखते हैं लेकिन स्कूल के अलावा उन घर पर व्यतीत होता है। मीडिया, बच्चे और उनके पेरेंट्स, यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मैं भी इतना स्टेज देख रहा हूँ, जो इनकी मेहनत देख रहा हूँ बच्चों की, वो बहुत कमाल की है। ये पहले आदमी सोचता नहीं था कि छोटी जगहों पे ऐसे कार्यक्रम अच्छे से हो सकते हैं, और जितनी मैं गोयल जी के बारे में अभी छोटी छोटी मोटी जानकारी ले पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि ऐसे समाज सेवी वास्तव जो समाज को समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन, वो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे आदरणीय गोयल जी के लिए अपन ताली बजा के उनका अभिवादन करें। आजकल जब हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं बात सोचने लगते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, ऐसे में कुछ लोग अगर समाज सेवा के लिए आते हैं, धनार्जन उनका उद्देश्य नहीं होता है और एक अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी प्रकार की भी जनसेवा के लिए, किसी प्रकार के जन कल्याण के लिए, तो मैं हमेशा जो है इसके लिए हाजिर हूँ।